नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। खंडवा खरगोन जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर मनेगांव थाना क्षेत्र के पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार के गृह गांव टेमला में दलित युवती को शिवरात्रि पर्व पर शिवालय में प्रवेश और पूजा अर्चना करने से मना कर दिया गया, जिस पर युवती ने पुलिस बुलाने की बात कही, लेकिन फिर भी उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वीडियो वायरल होने पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने SP ऑफिस पहुंचकर विरोध जताया। वहीं पुलिस द्वारा पुजारी सहित दो महिलाओं पर एट्रोसिटी एक्ट की धारा लगाकर प्रकरण दर्ज कर लिया गया। तीन बार शायद इन हरिजन इनको बताएगा कि एक साल की सजा ही चीज पूछे कि हरिजन से इरादी चाह रहे पुलिस आ बस अगर तुम नहीं अंदर जाओ तो पुलिस आ गए एक साल की सजा अभी बुलाए लो पुलिस बुलाए लो जैसा सौ नंबर डायल करो पुलिस बुलाए सौ नंबर की गाड़ी आओ सीधी सर हाँ आना दे कोई भी मकान अंदर आओ मेरा तो भाई तू अभी जाके अम्बे माता के मंदिर में जा तो तुमको जाना था फिर तुम्हारी है नहीं तो पुलिस की गाड़ी बुला जा जा पुलिस की गाड़ी बुला लो माँ आई गई नहीं तू सब बोलो बंद हो जाएगी घड़े हाँ जाओ ना जाओ नहीं नहीं तुम एक आइए मत अंदर क्यों नहीं जाना दिखता नहीं जाना नहीं नहीं जाना अंदर पूजा करना क्यों जाना नहीं 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 ये तुम्हारा भगवान है कहीं दे तुम जो तुम्हारा भगवान है तुम्हारा घर का जहर होता है तुम क्या सब कहीं दे ये भगवान मंदिर का बटन सिर्फ तुम्हारा ये क्या बना है कहीं का बोले क्या बना है सब बढ़िया है क्या बोल ही नहीं सकता कोई सब तक नहीं सही बात है हमारी पूजा करो तो पुजारी को काम सिर्फ पूजा करना तो कोई रोकना चल आई जाना पूजा करो तो तुमको काम सिर्फ मंदिर की देखभाल करने से पूजा करने से तुमको करो जो दूसरों में रोकने तुम्हारा अंदर में आया और अन्यत्र जो गांव है जैसे मैंने कोठरी गांव बताया आपके तबके में आपके जिले के हर चौथे गांव में कल हम नहीं आएंगे इस बच्ची के साथ किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है जम क्यों हुआ जम के लाते चल रहे वहाँ पे कुछ ना कुछ किससे मिलते भी रहते हैं झगड़े जो है कुछ ना कुछ आते हैं क्या हुआ था वही तो मैं बोल रही हूँ कि बस वो कुछ नहीं उससे मैंने कुछ बात की ना उससे मैंने कुछ कहा बस सीधा खड़ा हो गया सामने और वो मंडित पुजारी और डायरेक्ट ये बोलने लगा कि हरिजन मंदिर में नहीं आ सकती वो बाहर से पूजा करेंगे हरिजन को पूजा करने का कोई अधिकार ही नहीं है तो क्यों अधिकार नहीं है हमें ये कानून में लिखा नहीं है ये संविधान में लिखा नहीं है क्यों नहीं वो हमें जाने दे रहा है वो कुछ भी बोल रहा है कि मैं मेरे हेड से बात करूंगा उसके बाद मैं पूछूंगा तो आप उसको पूछिए कि उसके समाज में ऐसा कौन मेन हेड है ये ग्राम टेमला की है क्या हुआ था
मंदिर में जाने से किया था पूरा मना, जाने ही नहीं दे रहे थे, कुछ भी करो आप वहाँ पर। और उनकी समाज के 100 से 200 लोग खड़े देख रहे थे ये तमाशा। एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, उनको इन चीज़ों का पता नहीं है, सबका पता है कि ये अधिकार इनके पास है, फिर क्यों नहीं हमें जाने देते हैं वो। मैं इस चीज़ के लिए लड़ रही हूँ, क्या चाहते हैं आप? मंदिरों में जाने दिया जाए। हमें गणगौर पूजा निमाड़ में होती है तो 8 दिन पहले छूना बंद कर देते हैं, उनकी माता वो अलग लेकर जाते हैं। हमारा रास्ता आप लोग देखो, पत्थरों पे से कांटों पे से निकल के माता को लेकर जाते हैं, तो उनके रास्ते से क्यों नहीं निकालने देते हैं वो हम? अभी क्या बात हुई एसपी साहब से आपकी? वो बस यही कह रहे हैं कि हम करेंगे कार्रवाई, यही कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। भाजपा के पूर्व मंत्री का गांव है वो, भेदभाव किया जा रहा है। मैं भाजपा या बीजेपी कांग्रेस इसका कुछ जिक्र ही नहीं कर रही हूँ, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को बस ये चाहिए कि मंदिरों में क्यों नहीं जाने दिया जाता है, उससे ये सवाल किया जाए, उनकी समाज से ये सवाल किया जाए। और ऐसा नहीं है कि मेरे ही गाँव में हो रहा है, मेरे पूरे जिले में यही हो रहा है, आसपास के जितने भी गाँव हैं उन सभी गाँवों में मंदिरों में जाने नहीं दिया जा रहा है। तो क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, उनसे पहले ये सवाल किया जाए कि क्यों वो जाने नहीं दे रहे हमें। दूसरी बात, हमें जाने दिया जाए और ना हमसे वो जो गणगौर पूजा होती है उसमें छुआछूत का करे वो, कि इसको छूना नहीं है, इसको छूना नहीं है, इसे हाथ नहीं लगाना है, इसे अलग जाना है, उसे अलग जाना है, ये नहीं करे और सारे मंदिरों में जा सके। अगर आप लोग आज खड़े रहोगे वहाँ आपके डर के मारे वो हमें जाने देंगे, और कल अगर उन्होंने वापस यही किया तो, कल से वापस मना कर दिया तो कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, तो हम क्यों नहीं जा सकते मंदिर में? और हम मंदिर में, चलो हम इस चीज़ से भी पीछे हट गए थे, मंदिर में नहीं जाते हैं तो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, आपको उस चीज़ से कोई आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए, तो फिर उन्हें वो आपत्ति क्यों हो रही है? वो उस चीज़ का भी विरोध कर रहे हैं ना। क्या चाहते हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि हमें, मुझे ही नहीं, मेरे पूरे समाज को मंदिरों में जाने दिया जाए और पूरे जिले में जाने दिया जाए मंदिरों में, और छुआछूत का विरोध पूरा होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए छुआछूत, पूरी तरह पूजा खंडे मेरा नाम है। सर, ये कुछ लोग आए थे बता रहे हैं कि मंदिर में किसी को जाने से रोका था, आपसे बात भी की, क्या मामला? एक तरह की घटना बताया गया है जिसमें एक युवती को शिवरात्रि वाले दिन जो है पूजा करने से रोकने का एक वीडियो वायरल हुआ था। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया था तत्काल ही TI को उस गांव में भेजा गया था, परंतु सामाजिक परिस्थितियों से शुरू में उन्होंने रिपोर्ट लिखाने माना करने की, परंतु आज सुबह उन्होंने FIR कराई है और पुलिस थाना ने मेनगांव ने 3 लोगों के खिलाफ FIR पंजीबद्ध किया है। 505(2) IPC और एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया है और हम उसकी विवेचना कर रहे हैं। कुछ लोगों द्वारा आपत्ति लेने पे यहाँ पे कुछ उन्होंने एक अपनी मांग रखी थी जिसको मैंने बता दिया कि वहाँ अपराध पंजीबद्ध किया है, पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई किया। सब कुछ गाँव के नाम भी दिए उन्होंने, किस तरह के उनकी कुछ समस्याएं हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं और जैसा भी आएगा वैधानिक कार्रवाई हम वहाँ पे करना सुनिश्चित करेंगे। खंडवा से खबर समेत जगत के लिए ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।